हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? हो कैसे वो तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप इस क्लास में आए हो तो बड़े ही दुख दर्द के साथ आए हो कि आपको गणित नहीं आती है, है ना? तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये सारी जो भी टेंशन वाली बातें उनको निकाल दीजिए, क्योंकि आज PVR स्टडी की आप स्पेशल क्लास में आ चुके हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ धोबी का गधा नहीं बनना है, जैसे होता नहीं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक काम, शाम से लेकर सुबह तक काम, ऐसा नहीं करना है। आज ये पहली क्लास है तो हम पढ़ेंगे कम। पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आज ये क्या हम लोग तैयारी की रणनीति बनाएं, कैसे गणित आए। बहुत से हमारे पास मैसेज आते हैं, ईमेल आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेज होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं, मतलब दिल को छू जाते हैं। सर मेरी एज जो है वो 28 ईयर हो चुकी है, मेरी एज 25 ईयर हो चुकी है, ऐसी ऐसी गर्ल्स के मैसेज आते हैं, बॉयज़ के मैसेज आते हैं, घर वाले शादी करवाना चाहते हैं, बिना जॉब के हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, और मेरी बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी गणित है। और ऐसे बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम दुकान पे रहते हैं, हमारे घर मतलब बिजनेस का काम चलता है, दुकान का मान लो किराना की दुकान है, और उस पर हम अगर बैठते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का हिसाब नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए बादाम अगर 700 रुपये किलो बिक रहा है, अगर कोई आया 50 ग्राम लिया तो हम जोड़ नहीं पाते, पापा बड़ी गाली देते हैं, कहते हैं तुम का पढ़ा लिखा है, मतलब समझ रहे हो ना कितनी दर्द छुपा इसमें। वो बच्चे नहीं हैं, वो बच्चों के मम्मी पापा हो चुके हैं अधिकांश इनमें से। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो ये पार्ट आपके काम का नहीं है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग। नहीं आता है तो पूरा देखिए इसे, लेकिन पहले मतलब समझिए, क्योंकि आज से आप गणित सीखने का बिल्कुल प्रण कर चुके हैं, क्योंकि आप पेड करके कोर्स में आए हैं, तो आपकी पूरी उम्मीदें पूरा हो, हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे, और आपका विश्वास हमारे साथ PVR स्टडी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ 100% बना रहे, हमारी भरपूर ये कोशिश होगी, आप किसी भी तरह से असंतुष्ट ना हों। इस समय अगर हम बात करें तो रिकॉर्डिंग जब हो रही है रात्रि के 12:05 हो रहा है। ऐसा टाइम मैंने क्यों चुना? बहुत सारे भाग दौड़ होते हैं दिन में, आपको मालूम है ना, सबकी ज़िंदगी में होते हैं। एक्चुअली इस टाइम क्या बहुत ही माहौल शांत होता है, मतलब सब सो रहे हैं, जितने भी अच्छे बुरे लोग हैं सब सो रहे हैं, आप अपने कमरे में अपने घर में आराम से प्यार से कुछ भी कर सकते हो, चाहे अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो वो सब बात तो किनारे रख दो, अब हमें गणित कैसे सीखना है। देखिए गणित या मैथ्स ये कोई मतलब ख़तरनाक जानवर का नाम तो है नहीं कि जिसे हमें कब्जा करना है, काबू में करना है। भाई वो भी तो इंसान कर लिया है, दुनिया के जितने बड़े से बड़े डेंजरस प्राणी हैं उनको भी इंसान अपने कब्जे में रखा है, तो गणित कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। ये दो लाइनें मैं बार बार बोलता हूँ ना आपसे, कौन सी सुने हो कि नहीं? हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। बिल्कुल उम्मीद के ही दम पर दुनिया टिकी है, आप जरा एक मिनट सोचो, हमारी उम्मीदें होती हैं, विश्वास होता है। अगर हम घर से कहीं निकलते हैं, मान लो बाइक लेके जा रहे हैं या कार लेके जा रहे हैं, हमें यह विश्वास होता है कि हम उस स्थान पर सुरक्षित पहुँचेंगे, नहीं तो क्या भरोसा कार में बैठे हो रास्ता में पहिया निकल के चला गया गड्ढा में और तुम चले गए नार में, गड्ढा नदी में पहुंच गया, सोचो होता है ऐसा कभी कभी। लेकिन अगर हम निकलने से पहले ही सोच लें हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा भीषण हम चटनी बन जाएंगे, तो जाओगे नहीं जाओगे ना? लोग जहाज में ऊपर उड़ते हैं आसमान में विमान में, उनको विश्वास होता पंखों पर कि भाई ये घूमता रहेगा जब तक उतरेगा नहीं, उनको क्या पता लास्ट में पता चले अगर विश्वास ना हो ऊपर रुक जाए थम जाए तो क्या होगा, नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, जल जाएगा जहाज ऊपर ही। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास के दम पर ही दुनिया टिकी है। ये दोनों एग्जांपल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको खुद पर विश्वास करना है कि मुझे मैथ आएगी। उसी तरह से जैसे आप किसी कार बाइक या जहाज से यात्रा करते हो तो आपको उस पर विश्वास होता है कि मुझे ये सुरक्षित छोड़ेगा, लेकिन आप उसके बारे में तो कभी नहीं सोचोगे। भाई क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, ये गाना तो सुने हो ना, भरोसा तो नहीं है, लेकिन हाँ खुद पर विश्वास हम लोग करके चलते हैं। आप कहोगे कि ये 5 मिनट से कौन सा लेक्चर चल रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि ये पहला क्लास है, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाना भी मैं वो बता दूंगा, आप सबको आता भी होगा,
नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, उसे पढ़ लेना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। इसके पहले अभी और भी बहुत सारे वीडियो आप देखोगे जिसे अपडेट किया जा रहा है, पुरानी क्लासे हैं जब सेटअप थोड़ा कम था, बहुत ही मोटिवेशनल वाली कहानी उसको मैं बताया हूँ यूट्यूब पर। तो कई स्थितियों से गुजरे हैं हम, आज जो देख रहे हो ये सेटअप दूसरे हिसाब से बना है, तो वीडियो जो हैं पहले के पुराने हैं उनको सब हम अपडेट कर रहे हैं, हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी सब अच्छी क्वालिटी में अपडेट हो जाएंगे। तो साथियों विश्वास अपने ऊपर आपको रखना है। दूसरा नंबर आपको क्या करना है, निरंतर पढ़ना है, कंटिन्यू, मतलब समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू। ये नहीं कि एक क्लास देख लिया एक दिन, जैसे होता नहीं, बहुत से ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये बहुत जाहिल स्टूडेंट हैं, मालूम है कैसे हैं, ये यूट्यूब पे आते हैं हमारी क्लासों में जुड़ते हैं, भाई कोई वर्ड अगर बुरा निकले तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे समझना है क्योंकि हम हैं, आप हैं और तीसरा नहीं सुनने वाला, ना तुम इस वीडियो को शेयर कर पाओगे कहीं, है ना, तो गाली तो नहीं दे रहे, ना हमारी कोशिश होगी कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब आपको क्लास में जोड़े रहें, आपको क्लास थोड़ा अच्छी लगे, समझ में आए, हमारी ये कोशिश है। तो वो क्या करते हैं ना, जैसे यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं भाई, लाइव चलता है, बच्चे बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, अरे अब तो हम मार देंगे, आसमान नीचे आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, उसी जोश में आकर के क्लास ज्वाइन कर लेंगे। क्लास ज्वाइन कर लिए, फिर क्या हुआ, अब सारा जोश ठंडा हो गया शाम होते होते, अब फिर उनको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। मैं देखा हूँ बहुत से स्टूडेंट पेड कर देते हैं लास्ट में, 3 महीना 6 महीना के बाद मैं चेक करता हूँ, सबकी रिपोर्ट मैं चेक कर सकता हूँ, कौन कितना पढ़ा है, 1 घंटा पढ़े हैं 2 घंटा पढ़े हैं, फिर वो अगले 1 साल 1.5 साल बाद जब कहीं कुछ नहीं होगा तो फिर आएंगे, सर मैंने तो ज्वाइन किया था पिछले साल आपका क्लास लेकिन मुझे आया ही नहीं। हम कहते बेटा तुम अपनी ईमेल आईडी बता दो जो रजिस्टर किए थे, मैं देखूँ तुम कितना पढ़े हो जो तुम्हें नहीं आया। देखने के बाद मैं उनको जब रिकॉर्ड बताता हूँ तो कहते सर आपको पता कैसे चल गया। हम कहते हैं बच्चा हम ऐसे नहीं इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, हमें सब पता होता तुम क्या कर रहे हो, बस हम बताते नहीं, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, कोर्स को पूरा पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने हैं। एक और भी इस समय हम ऑफर आपको दे रहे हैं, जब तक ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा आज के दिन तो है, कब तक रहता मुझे नहीं पता है, कि अगर आप जो भी कोर्स ज्वाइन किए हो चाहे 1 से 8 तक वाला या 1 से 10 तक वाला, अगर आप उसे कम्प्लीटली लिख करके अच्छी तरह से हमें फ़ोटो क्लिक करके देते हो तो हम उसकी PDF भी स्टूडेंट को उपलब्ध कराएंगे, और इसके लिए आपको 1000+ का पेमेंट भी मिलेगा इनाम स्वरूप, जो भी समझ लो, मतलब आपका नोट्स भी बन जाएगा, आपको मैथ भी आ जाएगी, प्लस आपने जितना पेमेंट किया होगा उसका 2 गुना रिटर्न भी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको एक ये भी प्लस पॉइंट है भाई, किसी भी तरह से आप पढ़ो, देखो पढ़ाई कई तरह से होती है, एक तो लोक लज्जा देश समाज की शर्म से होती है कि भाई ज़्यादा बड़े हो गए, शादी ब्याह होने वाला है, पढ़े लिखे नहीं है, बड़ी बेइज्जती होगी, है ना। दूसरा एक गर्ज से होती है, मतलब जिसे बोलते हैं कि जैसे नौकरी की चाहत है, गर्ज है कि बिना नौकरी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, बिना पैसे की दुनिया में कुछ है नहीं, पानी नमक कुछ नहीं मिलता बिना पैसे के, है ना, मिट्टी नहीं मिलती शहर में, तो आप ये समझ लो ये चीज़ हो गया। तीसरा एक चाहत होती है, एक जुनून होता है अंदर में, एक मतलब तूफान सा होता है कुछ भी करने का, कि नहीं मुझे इसको करना है, करना है। अब आप आज ही देख लो PVR स्टडी में जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही, 260,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 20,000 से 50,000 तक डेली व्यूअर हैं, अगर बात करें महीना में तो 10 से 15 लाख व्यूअर हैं, टोटल अगर ऑडियंस की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन हमने एक छोटी सी मोबाइल फ़ोन से इस सफ़र की शुरुआत किया था, क्योंकि हमारे अंदर में एक तूफान था, एक जुनून था, एक जोश था कि मुझे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपनी बात सुनानी है, रखनी है, उन्हें कुछ अच्छा करना सिखाना है, नहीं तो YouTube पे पैसे कमाने के लिए या फिर और भी पैसे कमाने का बहुत सारा साधन है। इस कम्युनिटी को जोड़ने के लिए मैंने एक छोटी सी सिंपल सी कुर्सी पर 10 से 8 घंटे, नहीं तो लगभग 12-12 घंटे तक कभी कभी बैठे रहते थे लगातार, लेकिन वो शहर में एक अकेले कमरे में, घर पे होता तो मम्मी चीने न देती ऐसे बैठने, लगातार कहती पागल हो जाएगा तू, मतलब समझ रहे हो आप बात। इस क्लास को थोड़ा स्किप कर लो अगर लोगों को बोरिंग लग रही है, लेकिन ये सुनना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ गणित सीखना है ना, तो भाई होगा क्यों नहीं आप ये बताओ, आखिर कोई चांस है कि नहीं होगा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको मालूम है एक एग्जाम्पल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भले लोग उनकी कई बातों से जलते हैं, बहुत सारी कमियां हर किसी में होती हैं, हम में भी हैं उनमें भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखा जब वो प्रधानमंत्री बने। आप देखे होंगे कई देशों की यात्रा करते हैं, कहते हैं ना अब तक का सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाला प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए हैं, तो उन्होंने ये सब गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नहीं सीखा था, ये सारी लैंग्वेज बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सीखा वो बुढ़ापे में सीखा है, तो आप भी सीख सकते हो भाई, ठीक है। तो ये 10 मिनट का बातें आपके लिए उम्मीद करते हैं काम की होंगी,
अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे मैथमेटिक्स में। देखिए, जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, आपको मालूम है, हो सकता है इसमें से अधिकांश लोगों के भी छोटे बड़े बच्चे होंगे, जो भी अभी कुछ लोगों के अभी रेडी हो रहे होंगे, तो भाई वो सीखता क्या है? भाई स्कूल जाता है अगर छोटा सा बच्चा, तो क्या पढ़ता है? ज़रा सोचो, अब आप उससे तो बड़े हो, छोटा सा बच्चा तो हो नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसा तेज़ी के साथ काम करता है। तो उसको गिनती याद कराया जाता है, यही तो होता है ना, पहाड़ा याद कराया जाता है, वस्तुएं दिखाई जाती हैं विजुअल तरीके से, है ना, जैसे भैया ये स्याही है, ये मार्कर है, तो वो बच्चा समझ जाता है कि हाँ ये पेंसिल है, ये कॉपी है, मतलब चीज़ों को देखता है। तो आप इतने छोटे तो हो नहीं कि मैं आपको पेंसिल, पेन और मार्कर और सारा सामान ला के दिखाऊँ कि हाँ ये भैया ये है, हाँ आप तो बड़े हो। तो हम चलते हैं, मान लो क्लास वन, वो प्रेप, प्ले, केजी, एलकेजी क्या होता है वो सब छोड़ दो, उसके ऊपर, क्योंकि आप लोग कहते हो सर मुझे बिल्कुल जीरो से सीखना है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, जिनको ये छोटा छोटा बेसिक चीज़ें आती हैं वो कक्षा छः से वैसे पढ़ें, क्योंकि कक्षा छः से जो मैथमेटिक्स होगी, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टॉपिक, ये सारे आपके काम की चीज़ें मिलेंगी। कक्षा पाँच तक ये तो मैं स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर वीडियो बना देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, बाकी कुछ होता नहीं विशेष सीखने वाला, ठीक है, पाँच तक। चलो, तो हम विशेष रूप से इसमें जो कवर करेंगे आज वो क्या क्या होगा, देखो अगर थोड़ा कम दिखेगा तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इसे अभी चमक थोड़ा कम कर दूंगा। हाँ, पहले मुझे टॉपिक लिख लेने दीजिए, आज क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, इस पूरी क्लास में, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। अब सबको मालूम है ये सब, तो भैया थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है कुछ, मुझे लग रहा है क्यों लप दप हो रहा है का ये, ठीक है। तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देते हैं, मुझे लग रहा ज़्यादा है। जिन लोगों को हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी वो बिल्कुल हैरान नहीं होंगे, देखेंगे अभी सब आएगा, ठीक है। तो जोड़ को भाई एड भी बोलते हैं, आप शॉर्टकट में समझ लो। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, घटाना, देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है, इसे सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक भी बोलते हैं, और गुणा, मल्टीपल। क्लास को पूरा देखना अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो, ठीक है। और अगला फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाग पढ़ेंगे, मतलब डिवीजन। देखिए इसमें मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है, बिल्कुल हम छोटे लेवल से बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों की चाहत होती है, रिक्वेस्ट होती है कि सर बिल्कुल जीरो से पढ़ना है ना। तो अगर हम पहला बात करें जोड़ की, तो साथियों ये सबसे छोटा जो जोड़ होता है वन डिजिट का होता है। हाँ, अगर हम इसके पीछे भी थोड़ा सा चलें तो इसके पीछे होता है अंक और होती है संख्या। अब इसमें ये सब आपको पढ़ाया जाएगा विस्तृत, लेकिन आप जब ऊपर क्लास में जाओगे, अभी आगे बढ़ते जाओगे तब, क्योंकि छोटा सा बच्चा जाएगा तो उसको अंक और संख्या की अगर परिभाषा बताएंगे तो कुछ समझेगा नहीं, वो इतना जानता है कि हाँ ये गिनती होती है तो होती है, बस कैसे होती है या क्या है इससे नहीं मतलब है। तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, आगे आपको बताएंगे डिजिट और नंबर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन वगैरह। तो ये सब जोड़ना आपको आता है, हाँ, इनको जोड़ लोगे, 7 × 3 = 10 हो गया। जैसे अभी आपको 4 × 2 जोड़ना है तो आप सबको मालूम है ये 4 × 2 = 6 हो गया। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ ट्रेलर के रूप में, वैसे तो अधिकांश लोगों को ये पता है, मुझे भी मालूम है कि आपको आता है, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि बिल्कुल मुझे शुरू से पढ़ना है, जहाँ से गणित जन्म लेती है बस वहीं से पढ़ना है, तो मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ। ये हो गया। अब इसमें भी अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये कई टाइप का होता है, जैसे ये वन डिजिट का एड होता है, इसमें कोई भी हासिल नहीं आता है, और ये भैया 2 डिजिट वाला है बचवा, इसमें भी बाबू क्या होता है, हासिल नहीं आता है। हाँ, ये 2 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 6, ये 2 अंक का है, इसमें भी हासिल नहीं आता है। अब कुछ लोग कहेंगे का 1-2 अंक में हासिल नहीं आता है उसके बाद हासिल आने लगता है, नहीं हासिल आता है जब उसकी अलग कंडीशन होती है। ये 3 अंक का है, इसमें भी क्या है, हासिल नहीं आता है ना। देखो 3×2 = 5, 3×1 = 4 और 4×3 = 7, सही जोड़ रहा हूँ ना, रात बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं हो सकता दिमाग फिसल गया, तो ये जोड़ना घटाना तो आप लोग जानते हो, बाकी कुछ गलत नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। 5×4 देखो ये हो गया वही ना, 4×3 = 1 कितना होगा, 7, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी चीज़ों को समझते चलिए, ये सब आप लोग जानते हो। इसके अलावा जो 2 अंक का क्या होता है भाई, 2 अंक का हो या 1 ही अंक का हो, हासिल आने लगता है। हासिल कब आता है, जब कोई ऐसे डिजिट जुड़ रहे हैं
जिनमें आप देखोगे कि ऐड करने के बाद 10 के ऊपर कम्प्लीटली समा जाता है, मतलब उसका योगफल। जैसे हासिल की अगर हम बात करें तो मान लो 4 और 5 और इसमें 6 और ये 2। अब ध्यान से देखना, ये 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 होगा, होगा ना, 6 5 11। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं 11 ऐसे लिखा जाता है, इसमें 2 गिनती होती है, तो इसका जो 1 है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, जो दूसरा वाला 1 है ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, यही तो बोलते हैं ना। फिर 4 2 6 यानी 4 2 6 और 1 ये क्या हो गया, 7। इस तरह से ये होता है, ये हो गया हासिल वाला। ये आप सभी जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है जो मैं समझाऊँ अलग से, है ना, ये हो गया। इसके अलावा प्यारे साथियों और क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर हो गए, ये अगर 3 अंक का है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगर हासिल आता है। ये देखो 5 3 8, ये 10 के ऊपर नहीं गया तो इसमें कोई हासिल आएगा नहीं, अकेला है। ये 9 2 11, हाँ 11 11, इसमें 2 डिजिट आ गया तो 1 यहाँ हो गया, 1 1 क्या हो गया, हासिल। इसके चुरकी पे लिख दो खोपड़ी के ऊपर, ठीक। और ये 4 1 5 और ये के हासिल हो गया 6। इतना सबको आता है, ये हो गया जोड़ना आपका। इसी तरह से घटाना भी होता है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, लेकिन कुछ और भी ऐसे भी हमारे साथी हैं जिनको इसमें मुसीबत होती है, तो मैं उनको बता देता हूँ। देखो भैया, घटाने में क्या होता है, ये कई तरह के घटाने होते हैं, कई तरह के होते हैं, देखो, ठीक है, इनको आप सभी कर लोगे, कोई किसी को हैरानी परेशानी दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए इनको नोट करिए फटाफट, लिखते चलिए और वीडियो को रोक रोक के आप लिखते जाइए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ओके। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, मुझे तो लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है। चलो, तो ये हो गया आपका, इनको घटा लो। इसी तरह से हम क्या करेंगे, गुणा भी कर लेंगे और भाग भी कर लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? अरे सब पता है, लेकिन पहले ये तो पूरा हो जाए। देखो, ये 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये आप सबको मालूम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये 8 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 8 छोटा है 9 बड़ा है, पड़ोसी से उधार मांग लाएंगे। जैसे आपके यहाँ होता नहीं है भाई, दाल फ्राई करना है, लहसुन नहीं है, तो पड़ोसी के यहाँ से ले लेते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं तो बगल वाले दोस्तों के यहाँ से उठा लाते हैं, वो लोग आते उठा ले जाते हैं ना, होता नहीं उधार विधार मांग, चलता रहता है, कहते हैं ना देश समाज में रहना है तो मिल बांट के खाना है। ऐसे सरकारी में होता है, घूसपात चलता है, तो बड़े से बड़े बाबू तक सब खाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। चलो देखो, इसमें से उधार गया कितना हो जाएगा, 18 18 से 9 गया कितना होगा, ये 9, ये कितना बचा है भाई, एक उधार दे दिया इसको, ऐसे समझ लो। जैसे मैंने बताया अभी लहसुन प्याज उधार वाला जो भी चीज़, वैसे समझ लो ये 9 था, 9 में से एक उसको दे दिया तो कितना बचा, उसके पास तो 8 ही बचा, एक कम हो गया ना, तो अब उसमें से एक और घट रहा है, तो 8 में से 1 गया 7। सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना इतने में। ये वीडियो फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा है, 1920 1080 पे आप इसे देख पाएंगे, हो सकता है ऐप में वो सेटिंग ना हो अभी, तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो साथियों ये घटाना था बस, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आपको ये भी नहीं आता, बहुत डिटेल में और भी चाहते हो तो आप बताना, नंबर पे संपर्क करना, ये भी मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरी है और ज़्यादा, ठीक है। हाँ, जो लोग कहते हैं इसका अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज, भाई देखो दे देंगे लास्ट में कहीं, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हो, अलग अलग गिनती लिखो, ऊपर नीचे अलग गिनती लिखो, घटाओ जोड़ो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आपका ये 2 पॉइंट अगर क्लियर हो जाए तो फिर हम तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट है गुणा, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है भैया, जैसे देखो हर चीज़ अपडेट होती है, और जो चीज़ अपडेट नहीं होती वो दुनिया से ख़त्म हो जाती है, ये जानते हो, फंडा पुराना है। आपको मालूम है इस समय स्मार्टफोन की दुनिया में चाइना की कंपनियां वीवो अपो वगैरह वगैरह जो भी सारी हैं, रियलमी रेडमी जो भी होती हैं, सोमी जोमी, ये सब तहलका मचा के रखी हैं। इन्हीं में साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग, ये भी सीना तान के खड़ी, ये भी पीछे नहीं है। PVR स्टडी में जितने डिवाइस यूज होते हैं मोबाइल फ़ोन में, सैमसंग के ही होते हैं, ये गुप्त जानकारी बता रहे हैं। लेकिन हम ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि एक नोकिया कंपनी थी, आपने सुना होगा पहले बचपन में, हमारे घर में एक फ़ोन था जिससे भाभी लोग बिल्ली फेंक के मारती थी, मतलब 1110 आई, आप जानते होंगे नोकिया में, इतने मजबूत बनाती थी वो कंपनियां भैया मोबाइल वगैरह, कि उन्हें पटक दो, फोड़ दो, फेंक के मारो तो कोई दिक्कत नहीं होती थी,
मतलब वो बॉडी मजबूत करती थी, सिस्टम पे ध्यान नहीं दी। आज देखो नोकिया स्मार्टफोन की दुनिया में कितना पीछे हो गई। मुझे तो नहीं लगता उसका स्मार्टफोन आता भी है, थोड़ा बहुत कहीं आता होगा तो आता होगा, है ना, लेकिन नाम नहीं है ना, क्योंकि वो अपडेट खुद को नहीं कर पाई। तो उसी तरह से हर चीज़ क्या होती है, अपडेट होती है, और अपडेट होना ज़रूरी भी होता है इस दुनिया में बने रहने के लिए। तो हम अपडेट की बात क्यों किए, क्योंकि हमें पढ़ना गुड़ा। तो गुड़ा क्या है, इसी जोड़ने का जो भी पीछे पड़े थे उसका अपडेट फॉर्म है, अपग्रेडेड नेक्स्ट फॉर्म है। कैसे, ज़रा देखो। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, मान लो कुछ भी मैंने नंबरिंग कर दिया, अगर मैंने 4 + 4 + 4 इसे जोड़ा, ध्यान दो हमने 4 4 4 3 टाइम ऐड किया, तो 4 4 8 4 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो गया, 12। अब मुझे ये बताओ जो 4 4 मैंने लिखा था कितनी बार था, कितनी बार था भाई? तो बाबू भैया ये 1 2 3 बार था। कौन था 3 बार, ये 4 था 3 बार। कितनी बार था, 3 बार। तो चाहे तो इनको जोड़ो या फिर इनको 3 से गुणा करो, आएगा वही। बोलो है कि नहीं, है ना। कुछ लोगों को अभी दिमाग में कम घुस रहा है, कह रही है का बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। चलो फिर और आगे देख लो, पहले देखो, देखते रहो बस, कुछ समझ रहे हो कि नहीं। जो गुणा है वो इसी जोड़ का ही एक अपग्रेड फॉर्म है एक प्रकार से, ऐसे समझ लो। कोई भी मल्टीपल करना है, जितने से करना है आप चाहो तो उसे उतनी बार जोड़ के प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर वो तरीका बहुत पुराना हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस तरह से प्राप्त करने में। जैसे एक देखो, मान लो कि छोटा ही लेंगे हम, बहुत बड़ा नहीं, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी, यहाँ पे मेहनत कौन करेगा इतनी रात में। चलो दिखेगा ना अभी इसके आगे, ठीक है। मैंने कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब आप इनको जोड़ो सबको, चलो जोड़ो जोड़ो, बिल्कुल रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, टेंशन मत लो, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी बार, 7 बार। तो भैया 7 बार जोड़ो, 3 3 में 3 जुड़ा 6 6 में 3 जुड़ा 9, यानी इतना कितना हो गया, 9, ठीक है। अब ये 3 ये जुड़ा कितना हो गया, 9 9 9 कितना हो गया, 18 18 3 कितना हो गया भाई साहब, 21 कितना हो गया बाबू, 21। सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं ना। अब अगर हम इतना बड़ा लफड़ा ना करते, इतनी बड़ी ओझाई, तो इसको छोटे में भी कर सकते थे। कैसे, समझो भाई, ये 7 बार है ना, हम नंबर ले लें, कौन है 3, कितनी बार है, 7 बार है, तो इनको 7 से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 21। ये हो गया दादा के ज़माने का तरीका, हाँ, जब दुनिया अपग्रेड नहीं थी, और ये है जब दुनिया अपडेट हो गई तब उसके बाद की खोज है। तो ये कितना आसान था, और उसको करना कितना मुश्किल था, समझ रहे हो ना, कुछ समझ रहे हो ना। अगर हम गुणा में एक और बात करें, इधर साइड में दिख तो रहा है ना, अगर 432 में हमें क्या करना हो भैया, गुणा करना हो 219 का, तो इनको भी हम जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, 432 को 219 बार जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, बोर्ड हमारा ये 8x4 का छोटा पड़ जाएगा, 219 बार अगर हम 432 लिखेंगे, हाँ ऐसे भी कर सकते हो तुम, 219 बार ना लिखो तो 432 बार लिख दो 219 को, अरे तब तो इसका बड़ा दादा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना मुश्किल ना। लेकिन अगर इसे इसे से गुणा कर लें, दो लाइन में हो जाएगा ना, बात समझ में आई ना। तो ये थी गुणा की प्रॉपर्टी, एक गुप्त जानकारी जो आपको आज समझ में आई, मुझे भी ऐसे आ गई एक दिन, बाकी कोई सिखाया नहीं था, वैसे जोड़ते जोड़ते आ जाता है, जानकारी हो जाती है। कोई भी चीज़ कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पे परत निशान। कौन कहा था ये जानते हो, सुने हो कहीं, हम भी ऐसे सुन लेते हैं तो आप लोगों को सुना देते हैं क्लास में, मालूम नहीं कहाँ से मिला। देखो लाइट कम हो गई है काफ़ी, मुझे लग रहा है एक्चुअली क्या होता है ना, सामने से फोकस नहीं पड़ता लाइट का, तो या तो दिखता ही है और या तो यही दिखता है, हाँ समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं। चलो ये हो गया, तो आप क्या क्या सीखे गुणा, लेकिन अभी मतलब की चीज़ तो हम सिखाए ही नहीं। देखो यार गुणा में क्या होता भाई, जैसे अगर ये 4 है ना, ये 3, एक्चुअली ये कुछ क्लास हमारे ऐसे भी कैंडिडेट करते हैं जिन्होंने पढ़ाई 2 4 10 साल पहले छोड़ दिया था, आज वो ज़माने को देख करके कहते हैं हम फिर से पढ़ेंगे, हाँ हाँ, मतलब भाई देखो पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हो बस, ज़िंदगी जीना तब भी पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिजनेस भी करते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए सब्जी नून तेल हरदी मिर्चा खरीदने जाते हैं, वहाँ भी हमें हिसाब किताब देना पड़ता है, महंगाई इतनी बड़ी है,
लोग 20 ग्राम ला रहे हैं कोई चीज़, 100 ग्राम ला रहे हैं, 200 ग्राम ला रहे हैं, तो अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी है तो उसका हिसाब कैसे कर पाएंगे, है ना। देखिए तो इनको कैसे करेंगे, एक्चुअली इनके लिए हमें टेबल आना चाहिए ऐसा समझ लो। जैसे इसका मतलब हम आपको समझाएं थोड़ा डिटेल में, इधर साइड में दिख तो रहा है ना। चलो भाई क्या है, कुर्सी याद आ रहे हो, चल नहीं रहा अच्छे से। देखो समझो, पहाड़ा हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ये 3 6 18 3 9 27 3 10 30 पूरा दिख रहा है ना, सही लिखा हूँ कहीं गलत है, पहले देखो 10 बार है, 3 3 6 2 कहाँ है, हो गया पूरा गलत है ना ये, कि नहीं गलत है। देखो 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 6 18 3 7 21 3 8 कितना 24 और 3 9 ये 27 और 3 10 30। अब देखो समझो, मतलब धीरे धीरे आप लोग समझते चलो फटाफट, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखो समझो, जैसे ये 3 है ना, ये 4 है, हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। जिनको नहीं आती उनके लिए भाई सब कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप आएगी ज़रूर। ये पहला है 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, और ये 4 बार है, ये 5 बार है, ये 6 बार है, ये 7 बार है, ये 8 बार है, ये 9 बार है, और ये 10 बार है। मतलब आप पूरा समझते चलो, ठीक है। हमें कितनी बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है भाई, 1 2 3 4, चौथा मिल गया, बड़े प्यार से मिल गया। देखो ये डबल है, सिंगल है भी नहीं, ये कितना आया, 12 ना, इसका यही मतलब होता है। अगर आपको टेबल आता है तो ऐसे जोड़ लेना, 3 3 9 3 7, ये तो वर्ग हो गया, 3 2 6 3 3 9 3 4 12। बहुत दिन से टेबल नहीं पढ़ा इसलिए तरीका भूल गया। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12। तो ये हो गया 12, ये होता बिल्कुल बेसिक फंडा, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे कर ले जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। जैसे मान लो 9 हो गया और इसका 5 हो गया, तो भाई 9 5 कितना हो गया, 45, कितना हो गया 45, कर लोगे, ये भी हो गया। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी 2 अंक के आते हैं, जिसे बोलते हैं 2 डिजिट के, तो उनको कैसे करते हैं वो भी यहीं पर सीख लो, फिर काहे को देर। देखिए जो 2 अंक के होते हैं ना साथियों, उनको भी करना ऐसे ही आसान ही होता है, उसमें हमें यही सारी चीज़ें 2 बार करनी होती हैं। जैसे मान लो कि हमें टेबल नहीं आता बड़ा वाला, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कैसे याद करें, टेबल की ट्रिक भी आपको मिल जाएगी, आप लोग संपर्क करना, अगर नहीं आता आपको टेबल तो कोशिश होगी, एप्लीकेशन में ही नेक्स्ट पार्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, जैसे मान लो कि नंबर 3 2 है और यहाँ पर हमारा है 12। अब मानिए कि कोई भी स्टूडेंट है जिनको 12 का पहाड़ा नहीं आता है, तो इन्हें कैसे मल्टीपल करने का, इसको 2 पार्ट में करेंगे, पहले 2 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, और 2 और 1 का टेबल तो सबको आता है। तो समझो 2 2 9 ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 2 3 6 इतना हो गया। फिर क्या करते हैं प्यारे साथियों, दाएं वाले नंबर का हम एक नीचे का स्थान ऐसे क्रॉस कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 2 2 और 1 3 3, ये एक गिनती जो है इधर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, कौन जोड़ेंगे, अरे भाई ये जो गुणा करने पे आया था ये, इसको जोड़ेंगे, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, कराफ है तो ये 4 ही होगा, ये 6 और 2 8 होगा, और ये 3 होगा, 384 आया। अब ये सही है कि गलत है, इसको हम अलग से गणित लगा के आपको दिखा देते हैं। देखो हमें 12 का पहाड़ा याद है, हो सकता है आपको भी याद हो, जिनको नहीं याद था उन्होंने ऐसे निकाला। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये गलत निकाला कि सही निकाला है। तो भैया हो 12 2 9 24 का 4 हाफी लावा 2 और 12 3 36 36 2 38 तो 384 इज करेक्ट आंसर, इसका मतलब सही है। तो ये हो गया आपका अगला तरीका, बात समझ में आई ना। इसी तरह से अगर ये 3 अंक हो जाएगा तो 1 अंक और आगे खिसक जाएगा, उसमें क्या करोगे, फिर यहाँ भी एक ठीक ग्राफ लगा दोगे, एक और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं मिलता है नहीं। आपको सिर्फ सीखना है, ये सब आप जानते हो लगभग, नहीं जानते हो तो बताना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है, समझ रहे हो ना। बता ही देता हूँ काहे को कसर रह जाए कोई, ये लो चलो
अगर इनको ऐसे गुणा करना है तो कैसे करेंगे ना, ये आप लोगों के दिमाग में रहा होगा। बाद में आप लोग संपर्क करते हो, फिर काफ़ी परेशान होते हो, ज़िंदगी बहुत बिजी है, हम लोग भी बिजी रहते हैं, फिर नहीं हो पाता है। तो कोशिश ये रहे कि यहाँ पे कुछ भी गुंजाइश ना छूटे, क्योंकि हम इसीलिए सीना ठोक के कहते हैं ना हर जगह कि भाई गणित सिखाने की गारंटी है। तो गारंटी तभी पूरी होती है जब सारी चीज़ें आपको मिले ना। देखो 6 × 5 = 30, हाफिल कितना आया 3, 3 इसके खोपड़ी पे लिख दो, ठीक है। अब 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, 18 × 2 = 21 ना, हाफिल आया 2, और 6 × 4 = 24, 24 × 2 = 26, ये पहला हो गया। इसके नीचे क्रॉस करो, अब 3 का गुणा करो, 3 × 5 = 15, हाँसी लाया 1, और ये अब फिर मिटा दो भाई, 1 हो गया ऊपर वाला, अब इनको आगे फिर बढ़ाओ, समझो। 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 का 5 हाँसी लाया 1, और 3 × 3 = 9, 9 में 1 जुड़ा, हासिल कितना हुआ 10 का 0, हाँसी लाया 1, 1 इसके ऊपर लिखो। अब 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, ध्यान रहे इधर एक अंक बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब एक के ऊपर कुछ नहीं याद रहे। अब अभी एक और भी अंक बचा था, इसलिए इसके नीचे भी अब क्रॉस करेंगे नेक्स्ट टाइम में। अब 2 का गुणा करो, फिर से इसको मिटा दो, इसका काम ख़त्म हो गया, समझो। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10, 0 कैरी आया 1, ओके। 2 × 3 = 6, 6 हुआ ना, और 1 जो कैरी आया था कितना हो गया 7। अब भाई 7 में तो कोई कैरी बचेगा नहीं, कोई हासिल बचेगा नहीं, बेचारा अकेला खुद ही है, हाँ खुद ही सिंगल है, तो ये ख़त्म हो गया यहीं पे। और 2 × 8, हाँ इधर नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें हासिल नहीं आया, डबल नहीं हुआ, नहीं तो ये अंक भी एक इधर और बढ़ जाता, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर कोई और गिनती होती, जैसे जो 10 के ऊपर जाता तो इधर और बढ़ जाता। इनको जोड़ देंगे, ये 0 हो गया, 5 × 1 = 6 हो गया, ये 6 और ये 3 और 2 = 5, चाहे तो ऐसे जोड़ लो, 7 × 3 = 10, 2 = 12, हासिल 1, 8 × 1 = 9 = 10, तो कितना हो गया ये। क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग बताओ, क्या पढ़ेंगे भैया, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10000 लाख ना, 1,02,660, समझ में आया, लिख लो इसे फटाफट, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, जल्दी करो भाई, जल्दी लिखो। तो ये आपका हो गया, इस तरह से आपने जोड़ घटाना गुणा देख लिया। भाग आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, कई प्रकार की भागें होती हैं छोटी छोटी में, तो चूंकि हम पूरा विस्तृत पढ़ाते हैं इसलिए अब रात के बहुत ज़्यादा टाइम आज हो गया, तो अब इसे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि पूरा दिल से जो भी करना चाहिए करना चाहिए, जहाँ पर दिल ना करे उसके आगे नहीं करना चाहिए, है ना। और ये फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर फुल HD में रिकॉर्ड हो रही तो ये वीडियो 8-9 GB का हो गया होगा। फिलहाल इंटरनेट तो अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रॉडबैंड है, अपलोड हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पे बंद करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप भाग ही देखोगे पूरा पूरा, और टेबल का ट्रिक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, विश्वास बना के रखिए, गणित आपको आएगी, बिल्कुल आएगी, पक्का आएगी, दौड़ के आएगी, सरपट आएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, है ना। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जिस समय आप कोशिश कर रहे हो ना, हो सकता है लोग उस समय सो रहे हों, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, अचीव होंगी, जो उन्हें नहीं मिलेंगी। तो आप लोगों से कुछ ना कुछ हट के करते रहो, जिससे लोग आपको देखते रहें, समझ रहे हो, और आप आगे बढ़ते रहो। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को इस क्लास को देखने के लिए।